स्टार्ट और एपिसोड नंबर 18 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिंगू जो होता है वो लिटिल बिन को लेकर आता है महल के बाहर ही, उसे रोक देता है और कहता है कि लिटिल बिन तुम अंदर चले जाओ, मुझे डर है कि अगर तुम्हें मेरे कोई साथ देख लेगा तो तुम्हारे मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएगा। तो लिटिल बिन आगे चली जाती है और फिर जो जिंगू होता है वो वहां से पैदल निकल जाता है उस गाड़ी के साथ। नान बेई को देखते हैं, अगार डोंगसी को देखते हैं, जो दोनों लोग स्टर्न पैलेस के बाहर ही होते हैं, जहां पे वो लोग देखते हैं कि मिस्टर बाई जो लिटिल बिन होते हैं उसके साथ कहीं जा रहे होते हैं। जिसके बाद से यहाँ पे जिंगू आते हैं तो जिंगू कहते हैं क्या क्राउन प्रिंस अभी तक नहीं आया है? तो नान भाई कहते हैं कि अभी तक तो नहीं आया है, आप जाइए आराम कर लीजिए, वो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। जिसके बाद से डोंगसी कहते हैं कि बाहर मैं लिटिल बिन से मिला था, यानी मिस मई के नौकरानी से, वो कह रही थी कि वो मिस मई का इंतजार कर रही है। तो यहाँ पे डोंगसी और नान भाई बताते हैं कि मिस मई की नौकरानी को मैंने अभी अभी देखा कि वो शायद मिस्टर बाई के साथ कहीं जा रही थी, मतलब उनके पैलेस की तरफ जा रही थी। इतना सुनना था कि जिंगू वहां से दौड़ते हुए चला जाता है। जिसके बाद से डोंगसी और नान भाई आपस में बात करते हैं कि वो दो मतलब एक महीना के पीछे ये दो पुरुष लगे हुए, क्या ऐसा हो सकता है कि उन दोनों के बीच कुछ गलत रिश्ता हो? तो डोंगसी कहता है तुम चिंता मत करो कि मिस्टर बाई जो है ना वो नैतिक गुण वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद से नान भाई कहते हैं हम बाहर चलते हैं, महल के बाहर इंतजार करेंगे, जैसे ही महाराज आएंगे हम लोग उन्हें बता देंगे कि मिस मई के नौकरानी के साथ क्या हुआ, मतलब मिस मई के नौकरानी को वो लोग पकड़ के ले गए हैं। देखते हैं जो कि एक अंदर कमरे में होती है जहां पे बाहर से आवाजें आ रही होती है, मिस्टर बाई और उनके नौकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि आपको उसे नहीं मारना चाहिए क्योंकि बाहर नान भाई ने देख लिया था हमें लिटिल बिन को साथ में लाते हुए। तो मिस्टर बाई कहते हैं तुम चिंता मत करो, यहीं पर मेरा इंतजार करो, मुझे आज खेल खत्म करना ही होगा, मैं आज इसे जान से मार दूंगा, अगर मैं नहीं मारता हूं तो मुझे यकीन है कि मुझे कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जिसके बाद से हम देखते हैं कि मिस्टर बाई दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो लिटिल बिन पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, मतलब क्या करना चाहते हो मेरे साथ? और किस लिए? मैं तुम्हें जान से मारने आया हूं, मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा, खत्म कर दूंगा खेला। तो यहाँ पे जो लिटिल बिन होती है वो कहती है तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो ये बताओ। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है तुम कौन हो, तुम अपनी सच्चाई बताओ, तुम यहाँ पे महल में क्यों आई हो? लिटिल बिन कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम संगडोंग की राजकुमारी हो, तुम अपनी सच्चाई बताओ तुम यहाँ पे क्यों आई हो, और डोंगसी जो डोजी है वो तुम्हें यहाँ पे क्यों लेकर आई हो? वो कहती है कि तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ पे किसी को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई हूँ, अगर मुझे नुकसान पहुंचाना ही होता तो मैंने ये सब पहले ही कर दिया होता। भाई कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम चाल चल रही हो, तुम इसीलिए आई हो ना ताकि जो भविष्यवाणी है वो सच हो जाए, यही सब करने के लिए आई हो ना? तो वो कहती है नहीं, मैं तो बस यहाँ पे मून स्पिरिट पर्ल यानी उस मोती को चुराने के लिए आई थी। तो मिस्टर बाई कहते हैं कि उस मोती से तुम्हारा क्या लेना देना, तुम उस मोती को क्यों चुराना चाहती हो? जिस दिन मैंने तुम्हारी जान मतलब मैंने उस दिन पानी में कूदने से जान बचाई थी मिस मई की, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारा कुछ ना कुछ चाल तो है, तो तुम सच्चाई बताओ आज। तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो डोजी की जान खतरे में हो जाएगी। तो यहाँ पे मिस्टर बाई जो होते हैं वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे सच्चाई बताओगी तो मैं डोजी को मार डालूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं उनकी रक्षा करूंगा, तो मुझे सच्चाई बताओ सच्चाई क्या है, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। मिस मई कहती है मतलब लिटिल बिन कहती है कि मैं तुम्हें बता तो दूंगी लेकिन इससे डोजी की जान खतरे में आ जाएगी, तो तुम मुझसे वादा करोगे सच्चाई जानने के बाद डोजी को कुछ भी नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे मिस्टर बाई कहते हैं कि हाँ चलो सच्चाई बताओ क्या है सच्चाई। तो यहाँ पे मिस जो लिटिल बिन होती है वो सच्चाई बता देती है कि हम दोनों की आत्मा आपस में चेंज हो गई है, दरअसल मैं मिस मई हूँ और वो जो है वो डोजी है, मतलब वो असली में राजकुमारी है संगडोंग की, लेकिन उसे अभी सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये लोग अंदर में बात कर रहे होते हैं। बाहर हम देखते हैं जिंगुई को जो कि पहुंच जाता है और मिस्टर बाई के नौकर से पूछता है कि मिस मई अंदर है, मतलब लिटिल बिन अंदर है? वो कहता है कि नहीं अंदर कोई भी नहीं है, वो कहता है कि मुझे उसे ढूंढना है। जिसके बाद इन दोनों की लड़ाई होने लगती है, मतलब उनका नौकर जो होता है वो अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। यहाँ पे जो लिटिल बिन होती है वो सच्चाई बताती है, कहती है कि देखो डोजी और मैंने अपने शरीर को बदल लिया, जहाँ पे मैं मिस मई हूँ और वो डोजी है। यहाँ पे लिटिल डिवाइनर फिर भी चुप नहीं होता है, मतलब मिस्टर बाई जो होता है ना वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते, कहते हैं मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ तो महाराज को जिस दिन सच्चाई की पता चलेगी उस दिन डोजी को वो मार डालेंगे। जैसे ये मारने जाता है जिंगू आता है, इसके हाथ से चाकू को दूर फेंकता है और जो लिटिल बिन होती है उसे बचाकर बाहर ले जाता है। बाहर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और मिस मई आ जाती है। ये लोग पूछते हैं कि तुमने इसे मारने की कोशिश क्यों की, तलवार नीचे रखो। तो इनका नौकर जो होता है तलवार नीचे रख देता है, लेकिन लिटिल डिवाइनर यानी मिस्टर बाई जो होता है वो तलवार नीचे नहीं रखते, कहते हैं कि मैं इस लड़की को मार डालूंगा। तो यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि किस वजह से आखिर तुम उसे मारना क्यों चाहते हो? सभी लोग कहते हैं कि चाकू नीचे रख दो, मुझे तुमसे डर लग रहा है। यहाँ पे मिस मई भी कहती है, वो कहती है कि नहीं मुझे इस लड़की को मारना है। यहाँ पे मिस्टर बाई जो होते हैं बाई के जो नौकर होते हैं वो बताने जा रहे होते हैं कि आखिर वो उस लड़की को क्यों मारना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर बाई उसे डांट कर रोक देते हैं, कहते हैं मैं इस लड़की को मार डालूंगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये मिस मई है, मतलब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के शरीर को बदल लिया है, लेकिन मिस मई जो है वो तुम्हारे और डोजी के बीच में आ जाएगी, तुम दोनों के प्यार के बीच में आ जाएगी, तुम दोनों को दूर कर देगी। यहाँ पे जो सम्राट होते हैं यानी क्राउन प्रिंस होते हैं वो कहते हैं कि मुझे पहले से पता है कि इन दोनों ने अपने शरीर को बदल लिया है, लेकिन तुम मुझे सिर्फ इसी कारण बस इसे मारना चाहते हो, ये तो कारण नहीं है, तुम सच्चाई बताओ। यहाँ पे जो मिस्टर बाई होते हैं वो कहते हैं हम लोग 10 साल से दोस्त है, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे? मैं बस इसी वजह से इन्हें मारना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मिस मई होती है वो कहती है अपना चाकू नीचे रखो, लेकिन मिस मई यहाँ पे बेहोश हो जाती है और उन्हें उठाकर ले जाया जाता है। यहाँ से कट होता है और आगे की सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि जिंगुई की पट्टी वट्टी करके आ रहे होते हैं, कहते हैं बस ये मामूली सी घाव है, मामूली सी घाव के लिए मुझे ना बुलाया जाए। यहाँ पे जो 8वें राजकुमार होते हैं
तब वो कहते हैं कि इससे देखिए लिटिल बिन को देखिए थोड़ी सी चोट लगी है, उसके लिए भी कोई दवाई दे दो ना। डॉक्टर कहते हैं कि ये छोटी सी चोट, मतलब छोटी मोटी चोट के लिए तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुलाते रहते हो। आठवें राजकुमार को समझाते हैं कि तुम आठवें राजकुमार हो, मतलब छोटी मोटी चोट के लिए मुझे ना बुलाया करो, मैं इतना बड़ा डॉक्टर जो हूँ। तो यहाँ पे जो वो डॉक्टर होते हैं ना, वो उसे एक गोली देते हुए कहते हैं लो इसे पीस कर घाव पे लगा देना, जिसके बाद से डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। आठवें राजकुमार वो दवाई लेकर खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे लिटिल बिन कहती है मुझे जाकर जिंगहुई से कुछ बात करना है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं आठवें राजकुमार, और कृपया आप थोड़ा सा सोच समझ के बातें किया कीजिए। मतलब है कि लिटिल बिन आठवें राजकुमार को समझाती है कि मेरा पीछा करने की कोशिश ना करो, और वो जिंगहुई से बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ पे आठवें राजकुमार बाहर खड़े ही रह जाते हैं। आगे जिंगहुई की देख रेख कर रही होती है लिटिल बिन, मतलब उसका पट्टी वट्टी करना, उसका सारा सामान वामान सही करना। जिसके बाद से जिंगहुई आता है तो कहते हैं आप ठीक तो है ना, तो वो कहते हैं कि आप ठीक समय पर आकर मेरी जान बचा ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद से लिटिल बिन कहती है कि आपको पता था कि मैं राजकुमार नहीं हूँ, तो आपने मेरी रक्षा के लिए अपनी जान दांव पे क्यों लगा दी। तो यहाँ पे जो जिंगहुई होता है वो कहता है मैं नहीं चाहता कि आपको जरा सा भी खरोच है। जिसके बाद से वो बताता है, मतलब वो कहता है कि मिस्टर बाई ने आपको जान से मारने की कोशिश क्यों की, उसे पता चल गया है कि आपने अपने शरीर का बदलाव कर लिया है ना। लिटिल बिन कहती है हाँ ये सच है, लेकिन वो डॉजी को नहीं मारना चाहता, इसलिए वो मुझे मारना चाहता था। वो चाहता था कि मछली की आकार वाली पूछ वाली लड़की को अगर वो मार देगा तो शायद से वो डॉजी को बचा पाएगा, और आपने देखा ना कि वो सच्चाई वहां पे अगर नहीं होने दिया क्राउन प्रिंस के सामने, इसका मतलब यह है कि वो डॉजी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पे जिंगहुई खड़ा होता है, कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी नहीं करेगा। लिटिल डिवाइनर यानी जो बाई है, मिस्टर बाई है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, वो शांत तो नहीं बैठेगा। तो आपको और यहाँ पे मिस मई को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मैं आप लोगों की जाने की व्यवस्था करता हूँ। जिसके बाद से लिटिल बिन खड़ी होती है, कहती है कि आपने मेरी जान बचाई, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बदले आप फैसला कर सकते हैं, तो आपको मेरे बदले फैसला करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद से लिटिल बिन वहाँ से चली जाती है, कहती है आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। हम नान भाई को देखते हैं जो कि घोषणा पत्र पढ़ते हुए बताता है कि मिस्टर बाई ने आवेगपूर्ण कार्य किए हैं, इसी वजह से इन्हें तियांजी हवेली में 6 महीनों के लिए कैद किया जाता है, और इनके साथी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाता है। नान भाई कहता है कि मिस्टर बाई आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपका 10 वर्षों से महाराज से दोस्ती था, उसी लिए उन्होंने आपको जेल में नहीं डाला और 6 महीनों के लिए यहाँ पे कैद कर लिया, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जब महाराज अच्छा महसूस करेंगे तो मैं उनसे आपके बारे में जरूर अच्छे शब्द कहूंगा, मतलब उनसे बात करूंगा आपसे, आपको यहाँ से रिहा करने के लिए। हमें 10 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं तियांजी हवेली को कैद कर दिया गया होता है। ग्रैंड ट्यूटर होते हैं जो कि क्राउन प्रिंस को समझा रहे होते हैं कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब से मिस्टर बाई ने भविष्यवाणी की है कि आप सेंगडोंग के राजकुमारी के प्यार में पड़ जाएंगे और पूरा जिक्सी नष्ट हो जाएगा, तब से आपको क्राउन प्रिंस के पद से हटाने के लिए बात चल रही है। आपकी माता श्री बड़े ही समझदारी से इन सारी बातों को संभाल रही हैं, तो आपको उन मामलों को संभालने में ध्यान देना चाहिए, और आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। आपके जो दोस्त मिस्टर बाई ये हैं वो जल्दी रिहा हो जाएंगे, जहाँ पे जो छोटे राजकुमार हैं, मतलब हाँ ये राजकुमार कहते हैं कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं किसी राजकुमारी के प्यार में पड़ूंगा ही नहीं, फिर मेरा जिक्सी नष्ट नहीं होगा, मैं अपने सैनिकों को बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा और मैं अपने सैनिकों को ही अपने नियंत्रण में रखूंगा। जहाँ पे इनके ग्रैंड ट्यूटर बताते हैं कि आपको पता है कि प्यार में पड़ना ये सब आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता कि कौन किसके प्यार में पड़ जाए। वो कहते हैं कि ठीक है फिर मैं कभी भी प्यार में नहीं पड़ूंगा, और ये भी तो हो सकता है मिस्टर भाई की भविष्यवाणी जो है वो झूठा हो जाए। तो यहाँ पे ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं कि आप अच्छे से जानते हैं कि मिस्टर भाई ने जो भी भविष्यवाणी की है वो सभी कुछ सच हुआ है। हम इस मई को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और आकाश को देख रही होती है, जिसमें बहुत ही ज्यादा तारे होते हैं। वो यहाँ पे बैठे बैठे कुछ सोच रही होती है, तो क्राउन प्रिंस इनके पास आते हैं, छुप कर आते हैं। तो वो कहती है कि जिस दिन मैं लिटिल डिवाइनर यानी मिस्टर बाई से मिली थी वो बहुत ही ज्यादा अकेला था, और ये पूरा आकाश ऐसे तारों से भरा हुआ था, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया, लेकिन आज मैं अपनी दोस्ती खोना नहीं चाहती, लेकिन उसने जिसे मारने की कोशिश की वो कोई और नहीं मेरी दादाई थी, और मैं मेरी दादाई को बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पे मेरी दादाई यानी लिटिल को अपने पास बैठा कर जो सम्राट यानी क्राउन प्रिंस होते हैं वो समझाते हैं और कहते हैं कि लिटिल बिन यहाँ तक कि इस बार तुम्हें मारने की कोशिश की गई थी, अगर तुम यहाँ पे ना रहना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए पूरी व्यवस्था कर सकता हूँ, तुम्हारे परिवार में मैं बात कर सकता हूँ उन लोगों से। लिटिल बिन कहते हैं मैं इस रूप के साथ अपने परिवार के पास कैसे जाऊँ। तो यहाँ पे मिस मई कहती है इसे जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सम्राट कहते हैं आप चिंता मत करो, मैं मिस मई के लिए नई नौकरानी लेकर आऊंगा। तो मिस मई कहती है कि ये मेरी कोई नौकरानी नहीं है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं इसके साथ ही रहूंगी। जिसके बाद से मिस मई लिटिल बिन से कहती है कि तुम मेरे साथ ही रहना, तुम्हें पता है मैं हर समय तुम्हें अपने साथ रहूंगा, जब तुम्हें बिस्तर की जरूरत होगी मैं तुम्हें अपनी सारी रजाइयां दे दूंगी, तुम्हें भूख लगेगी तो मैं अपना हिस्से का सारा खाना तुम्हें दे दूंगी। और यहाँ पे क्राउन प्रिंस ये सब कुछ सुन रहे होते, देख रहे होते। लिटिल बिन कहती है अगर तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगी तो शादी कैसे करोगी। तो वो कहती है कि शादी तुम चिंता मत करो, अगर मैं शादी करूंगी ना तो किसी अमीर इंसान से शादी करूंगी, जिससे कि अपने घर के बगल में एक और बड़ा सा घर बनाऊंगी जहां तुम रहोगी, और फिर दीवार के बीच में एक छेद कर दूंगी और हम दोनों उस छेद से आपस में बात किया करेंगे। यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। क्राउन प्रिंस देख रहे होते कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना ज्यादा खुश है, ये सब क्राउन प्रिंस देख रहे होते हैं। ये दोनों बातें करते हुए जाते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा हर घड़ी हर समय तुम्हारे साथ ही रहूंगी और कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। समय होता है मिस मई और लिटिल बिन बाहर आ रहे होते हैं, तो मिस मई पूछती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि जो मिस्टर बाई है वो तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे।
कहते हैं, वो कुछ बोलती इससे पहले यहाँ पे जिंगो याद आता है, कहता है कि आप जानना चाहती हैं सच में कि उन्होंने इन्हें मारने की कोशिश की क्योंकि तुम मुझसे कल सुबह आके इस जगह पे मिल जाना। तो यहाँ पे मिस मई कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, लिटिल बिन कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम जाओ ज़्यादा चलो फिर नहीं तुम्हें चोट लगी है। और मिस मई तो इन दोनों का चेहरा ही देख रही होती है। यहाँ पे जिंगो बताने की कोशिश करता है तो लिटिल बिन उसे मना कर देती है, वो कहती है नहीं। तो यहाँ पे जिंगो कहता है नहीं इन्हें सच्चाई का पता होना चाहिए और एक पत्र देता है लिटिल बिन को और कहता है कि आप दोनों कल मुझसे मिलने के लिए इस जगह पे आ जाना। यहाँ पे आ जाते हैं क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस के आते देखते ही जो जिंग हुई होता है वह कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ और जिंग हुई वहाँ से चला जाता है। लिटिल बिन भी यहाँ से चली जाती है कि मैं भी चलती हूँ। और क्राउन प्रिंस पूछते हैं कि मिस मई से क्या कि यहाँ पे क्या चल रहा है, किस रहस्य के बारे में आप लोग बातें कर रही थी। तो मिस मई कहती है ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस इस चिंता में थी कि जिंग हुई वो अच्छी तरीके से ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्राउन प्रिंस मिस मई को अपने साथ लाते हैं और पत्तों की सीटी बजा रहे होते हैं। तो मिस मई कहती है कि क्या आपको ये बजाना आ गया, तो वो कहते हैं और नहीं तो क्या, तुमसे तो सीखा है। तो वो कहती है कि अच्छा, जिसके बाद से क्राउन प्रिंस जब बजाना बंद करते तो उसे पूछते हैं मैंने उस दिन जो सवाल पूछा था तुमने उसका जवाब नहीं दिया। मिस मई इशारा कर रही होती है कि नीचे देखो लेकिन क्राउन प्रिंस नीचे नहीं देखते, लेकिन फिर उनसे कहते हैं कि तुम मुझे जवाब तो दो, आखिर मैंने जो उस दिन सवाल पूछा था उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो मिस मई कहती है क्या मतलब है आपका, तो वो कहते हैं कि मैंने उस दिन तुमसे पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी रहना चाहोगी। तो वो कहती है कि पागल हो क्या, ये दिन का उजाला है। वो कहते हैं कि हाँ हमारे बीच वो भी तो हुआ था ना, किस भी तो हुआ था ना। और वो उनके बहुत ज़्यादा करीब आते हैं, कहते हैं कि अब मुझे सवाल का जवाब तो दे दो कि जो मैंने उस दिन तुमसे सवाल किया था कि क्या तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहोगी। मिस मई कहती है कि इस सवाल का जवाब मुझसे मत पूछो और वहाँ से हंस के जाने लगती है, कहती है कि सवाल का जवाब देखना है तो नीचे देखो। जहाँ पे क्राउन प्रिंस जब नीचे देखते हैं तो वो देखते हैं कि फूलों से एक दिल बना होता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नौकरानियाँ उस पर चढ़ने वाली होती है तो क्राउन प्रिंस रोक देते हैं। तो नौकरानियाँ कहती है अजीब सा भद्दा सा आकार किसने बनाया है, वो मतलब प्रताड़ित होना चाहता है क्या, सम्राट उसे प्रताड़ित करेंगे। सम्राट कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, इस फूल से जिस फूल से ये आकार बनाया गया ना उस बागवान वाले को पुरस्कृत करें, मतलब पुरस्कार भिजवाएं। हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि महारानी को गुस्सा दिलाते रहते हैं ये बात कह के कि मैं क्राउन प्रिंसेस बनाना चाहता हूँ मिस मई को, जहाँ पे उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अभद्र महिला क्राउन प्रिंसेस बनने के लायक नहीं है। महाराज कहते हैं कि वो बिल्कुल लायक है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है और उसने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई है, यहाँ तक कि वो अपने प्रियजनों की बहुत ही ज़्यादा रक्षा भी करती है, उनका बहुत अच्छे से सेवा करती है, देखभाल करती है। वो कहती है उनकी माँ की अगर तुम्हें बनाना है तो उसे अपनी रखेल बना लो, हरम में रखो, लेकिन मैं उसे क्राउन प्रिंसेस बनने का इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस उनसे कहते हैं कि माँ अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि अगर मिस मई से मेरी शादी नहीं होती है तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा और मैं हरम के किसी भी औरतों की तरफ नहीं देखूंगा, किसी को भी अपने हरम में नहीं रखूंगा। उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है तो कहती है कि ठीक है फिर इंतजार करो उस पल के लिए जब तक मैं तुम्हारे पिता से बात ना कर लूं। को देखते हैं जो कि मिस मई को लेकर जाता है एक जगह पे जहाँ पे बहुत सारी मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं और सेंगडांग के जितने भी लोगों की राज्य जब नष्ट हुआ होता है तो वहाँ पे जितने भी रानी राजकुमार मतलब जितने भी लोगों की मौत हुई होती है यहाँ पे सबकी स्मृति प्रतिकाल होती है। कि ये सब छोड़ो, बस तुम मुझे ये बताओ कि जो मिस्टर बाई हैं वो क्यों मारना चाहते हैं मिस मई को, आज तुम मुझे सच्चाई बताने के लिए लाए थे ना, तो बस वही बताओ। तो यहाँ पे जिंग हुई होता है वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, उन्हें प्रणाम करने लगता है। तो वो कहती है ये सब क्या है, यहाँ पे क्या खेल खेल रहे हो, मुझे सच्चाई बनना है, ये सब मत करो। तो यहाँ पे जिंग हुई खड़ा होता है और कहता है कि मैं सेंगडोंग का यंग जनरल जिंग हुई हूँ और वो बताता है कि आप राजकुमारी हो सेंगडोंग की। मिस मई को भरोसा नहीं होती है और कहती है कि खड़े हो जाओ ये सब खेल मत खेलो, देखो हमारी आत्माएं बदल चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ ऐसे खेल खेल सकते हो, कहानियां बनाना बंद करो। अगर मैं राजकुमारी हूँ ना तो तुम्हें पता है प्रथम पिता जो है ना मेरा वो ड्रैगन किंग होंगे, दूसरे पिता ये किंग होंगे और तीसरे पिता वो तो बंदरों का राजा होगा, है ना। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ कि 18 साल पहले कि जब हमारा सेंगडोंग देश नष्ट हो गया था पूरी तरीके से तब मैंने आपको बचाने के लिए एक बक्से पे बंद कर दिया था। और यहाँ पे जो जिंग हुई होता है वो ना सारी सच्चाई बता देता है राजकुमारी को, मतलब हाँ राजकुमारी सेंगडोंग की राजकुमारी को यानी मिस मई को। मिस मई ये सब जान के बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो रही है, कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी एक भी बात पे विश्वास नहीं करूंगी, यहाँ तक कि मेरा फिगर भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई राजकुमारी हूँ। जिसके बाद से वो उनकी छोटी छोटी बातें बताने लगता है कि जिस बक्से में आपको बंद किया गया था उसमें एक जिक्सी का राष्ट्र फूल था और उसमें एक खिलौना था। जहाँ पे मिस मई को हर एक बात याद आने लगता है, कहती है कि क्या तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, वो कहता है कि हाँ और उस बक्से पे 3 पंजे वाला निशान भी था जो कि मैंने ही लगाया था जब मैं वहाँ पे वापस आया आपको लेने के लिए, तो उस वक्त तक आप गायब हो चुकी थी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, मुझे तो लगा था कि सेंगडोंग का सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि मैंने ये भी सोच लिया था कि राजकुमारी की मृत्यु हो गई है, लेकिन मैं निश्चित हो गया जब मुझे पता चला कि ब्लैक डॉग गली में आप पड़ी हुई है। वो कहती है कि अच्छा तो तुम इतने सालों से मेरे बारे में पता लगा रहे थे, ये सब छोड़ो अगर मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ तो ठीक है मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन पहले ये बताओ भाई ये मिस मई को क्यों मारना चाहता था। वो कहती है कि मिस मई को वो इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहता था। तो वो कहती है तुम्हें बचाना चाहता था क्या मतलब है तुम्हारा, वो कहता है क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहता था कि तुमने आज तक वो भविष्यवाणी नहीं सुनी है क्या, वो भविष्यवाणी के बारे में बताता है जहाँ के जिक्सी के राजकुमार को सेंगडोंग की राजकुमारी से प्यार हो जाएगा और जिक्सी पूरी तरीके से नष्ट
नष्ट हो जाएगा। इतना सुनना था कि राजकुमारी जो होती है पूरी तरीके से टूट जाती है, मतलब मिस मेरी पूरी तरीके से टूट जाती है, हताश हो जाती है। जब जिंगहुई उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तो वो उससे दूर भागती है, कहती है दूर रहो मुझसे, मुझसे कोई भी बात मत करो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो यहाँ पर जिंगहुई बताता है कि आपको और मिस मेरी को मैं यहाँ से दूर ले जाऊँगा, मैं आप दोनों के लिए मतलब आप दोनों को आपके घर छोड़ के आऊँगा। जहाँ पर मिस मेरी पूछती है कि मेरे घर मतलब क्या मुझे ब्लैक डॉग गली में वापस भेज रहे हो, वो कहता है कि नहीं, मैं आपको चिंगसी से दूर सैंगडोंग में ले जाऊंगा, जहाँ पे आप लोगों का पालन पोषण अच्छे से होगा, मतलब वहाँ पे आप लोगों को कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। यहाँ पे मिस मेई बहुत ही ज्यादा हताश हो जाती हैं और रोते हुए कमरे से बाहर आ जाती हैं, कहती है मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। मिस मेई अपना उदास चेहरा लेकर बाहर आती है तो बाहर लिटिल विन उससे मिलते हैं, कहती है कि तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस मेई अपना उदास चेहरा हटाकर मुस्कुराने लगती है, कहती है कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा बल्कि मेरी माँ ने मुझे खुद से दूर कर दिया मेरी जान बचाने के लिए। तो लिटिल विन उससे गले लगा लेती है, कहती है कि हाँ कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी, क्रूर नहीं होगी जो उसे छोड़ेगी, वो तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया। यहाँ पे मिस मेई बहुत ही ज्यादा उदास होने लगती है, कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो भविष्यवाणी सच होगी? तो यहाँ पे लिटिल बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि भविष्यवाणी सच होगी, और ये भविष्यवाणी सच नहीं होती, तुम चिंता मत करो। लिटिल विन कहती है, मतलब मिस मेई कहती है कि जब लिटिल मास्टर को पता चलेगा कि मैं सैंगडोंग की राजकुमारी हूँ तो क्या वो मुझे मार डालेगा? तो यहाँ पे वो कहती है मतलब लिटिल विन कि नहीं, उसे पता नहीं चलेगा, मैं भी नहीं बताऊंगी और जिंगहुई भी नहीं बताएगा। और भाई के बारे में सोचो, उसने भी उस दिन बताया नहीं, बल्कि वो उसने अपने ऊपर सारा दोष ले लिया, सारा आरोप ले लिया। जिसके बाद से जिंगहुई कहता है लेकिन तुम ये मत भूलो कि उसे बचाने के लिए मिस मेई को मारने की कोशिश यानी लिटिल बिन को मारने की कोशिश की थी मिस्टर भाई ने, तो मिस्टर भाई आगे भी ऐसा कोशिश कर सकते हैं। लिटिल बिन कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगा, मुझे पूरा विश्वास है, और वैसे भी वो अभी कैद है तो अभी कुछ भी नहीं करने वाला है। मिस मेई बहुत ही ज्यादा उदास होती है इस बात को सोच कर कि मैंने जिससे प्यार किया उससे दूर होना पड़ेगा। जिंगहुई कहता है कि लेकिन राजकुमारी आपको मेरी बात माननी होगी, आप लोगों को सुरक्षित यहाँ से ले जाना ही मेरा कर्तव्य है, और हमारे लोग यानी सैंगडोंग के लोग आप लोगों को वहां से ले जाएंगे, बस आप लोग मेरे साथ चलिए। मिस मेई कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती। राजकुमारी कहती है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे गार्ड जिंगसी यानी जिंगहुई जो होता है वो कहता है कि राजकुमारी अब एक बार सोचो, जब राजकुमार को यानी क्राउन प्रिंस को पता लगेगा कि आप सैंगडोंग की राजकुमारी हो तो वो आपके और सिंहासन के बीच किसे चुनेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं मिस मेई बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, रोने लगती है और कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं क्राउन प्रिंस को छोड़कर नहीं जा सकती। मिस मेई यानी लिटिल विन जो होती है वो आके उनका हाथ थामती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो मिस मेई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी राजकुमारी से कहती है कि तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो राजकुमारी होती है वो कहती है कि मैं जाने को तैयार नहीं हूँ, मैं क्राउन प्रिंस को छोड़कर नहीं जाना चाहती। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए कमेंट करना। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।